नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। जिन्ना विवाद में कूदे असदुद्दीन ओवैसी, कहा देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। राहुल गांधी बोले हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा खतरनाक। यूपी सरकार के अनुरोध पर लखीमपुर मामले की टली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट दे चुका है जांच की निगरानी पूर्व जज को सौंपने के संकेत। कोविड-19 बूस्टर डोज को लेकर जल्द तैयार होगी पॉलिसी, क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों पर सीडीएससीओ का एनालिसिस जारी। श्रीनगर ने दर्ज की सीजन की सबसे ठंडी रात, पहलगाम में -3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान। चीन के एलएसी पर गांव बसाने को लेकर सीडीएस रावत बोले सीमा पर नहीं हुआ उल्लंघन। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी के बाद अब तक 97 देशों ने किया स्वीकार, बहरीन ने भी आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी। बांग्लादेश चुनावी हिंसा में 7 लोगों की मौत, मुख्य चुनाव आयुक्त KM नरूल हुदा ने गुरुवार को मतदान से पहले चुनावी हिंसा के खिलाफ दी थी चेतावनी। T20 क्रिकेट में रिजवान ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, एक साल में 1000 रन पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर बने। निखिल जैन से शादी विवाद पर नुसरत जहान ने तोड़ी चुप्पी, कहा उन्होंने शादी के पैसे तक नहीं दिए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।